Hello friends, today once again we are going to see the variation of acceleration due to gravity due to rotational motion of earth. जैसे कि अपन ने पहले देख चुके हैं कि अगर बॉडी अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रही है तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन आ रहा है. अगर बॉडी अर्थ के सरफेस से नीचे जा रही है, डेप्थ में जा रही है, तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन आ रहा है. एंड इन बोथ दीज केसेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंटिन्यूअसली गोज ऑन डिक्रीजिंग. सो देयर इज अ थर्ड पार्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रोटेशनल मोशन. व्हाट इज द effect of rotational motion of earth on acceleration due to gravity on the surface of the earth. So on the surface of the earth, the acceleration due to gravity always maximum. On the surface of the earth, acceleration due to gravity always maximum, but its also value continuously goes on changing from point to point. If we consider the equatorial, then at the equator, acceleration due to gravity is minimum. And if we consider the north pole or south pole, कोई भी पोल ले लीजिए आप, तो वहाँ पे acceleration due to gravity की value जो है, वो maximum रहेगी. At the pole, north pole or south pole, acceleration due to gravity approximately equal to 9.83 meter per second square, and at the equator its value is 9.78 meter per second square. So जैसे कि अपन यहाँ पे देख रहे हैं, north pole और south pole दोनों pole के पास में acceleration due to gravity की value maximum है और उसकी value 9.83 meter per second square होती है. इक्वेटर जो अर्थ के सरफेस में है या अर्थ का इक्वेटर है, वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी रहती है? 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इफ वी टेक द एवरेज ऑफ 9.83 एंड 9.7, इफ वी टेक द एवरेज ऑफ 9.83 एंड 9.78, इट इज एग्जैक्टली और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, और इसीलिए अपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो जनरली अपन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं. सो व्हाई देयर इज अ बिग डिफरेंस इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल एंड एट द इक्वेटर? बिकॉज़ इफ यू ऑब्जर्व हियर, द इक्वेटोरियल रेडियस इज लार्ज. The equatorial radius is large as compared to polar radius. जैसे कि अपन यहां देखेंगे, this is the polar radius and this is the equatorial radius. ये polar radius है, ये equatorial radius है. The equatorial radius is greater as compared to polar radius. इक्वेटोरियल रेडियस जो है अर्थ की, वो पोलर रेडियस के कंपैरिजन में क्या है, ग्रेटर है. कितने से? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22 किलोमीटर से. इक्वेटोरियल रेडियस पोलर रेडियस के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है. इसके वजह से यहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो इक्वेटर पे मिनिमम है और पोलर के पास में ज्यादा है या पोल्स के पास में ज्यादा है. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अगर अपन जनरल फॉर्मूला लेते हैं तो स्मॉल जी इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर. स्मॉल जी इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर. यहां पे आर जहां पे ज्यादा रहेगा वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाएगी, और आर अगर ज्यादा है, आर अगर कम है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यहां पे चेंज हो जाएगी. तो इसी तरीके से
अर्थ जो है, अर्थ की जो इक्वेटोरियल रेडियस है वो पोलर रेडियस के कंपैरिजन में 22 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके वजह से इक्वेटोरियल के पास में या इक्वेटोरियल पॉइंट के पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है एज कंपेयर टू एट द पोल। व्हाई इट इज सो? बिकॉज ऑल ऑफ यू नो दैट द अर्थ इज बल्ज एट द सेंटर। अर्थ जो है वो सेंटर में क्या है, बल्ज हो रही है एंड इट इज फ्लैटेन एट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अर्थ जो है वो सेंटर के पास में या इक्वेटोरियल के पास में क्या हुई है, बल्ज हो रही है और जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल है ये दोनों पॉइंट के पास में फ्लैटेन हो रही है। इसी कारण के वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये दोनों पॉइंट के पास में क्या है, चेंज हो रही है। हियर जी इज मैक्सिमम एंड हियर जी इज मिनिमम। हियर जी इज मैक्सिमम, हियर जी इज मिनिमम, बट व्हाट इज द वेरिएशन, ये वेरिएशन क्यों आ रहा है, इसके अंदर भी वेरिएशन आ रहा है। किसके वजह से? तो अर्थ रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, अर्थ रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है जिसके वजह से ये इक्वेटोरियल पॉइंट से लेके तो पोलर पॉइंट तक के यहां पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है। इफ वी गो फ्रॉम इक्वेटोरियल पॉइंट, इफ वी गो फ्रॉम इक्वेटोरियल पॉइंट टू द पोलर पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट से आप नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे या इक्वेटोरियल पॉइंट की तरफ, इक्वेटोरियल पॉइंट से आप साउथ पोल की तरफ जाएंगे, दोनों केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। व्हेन वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल, व्हेन वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंटिन्यूअसली गोज ऑन इंक्रीजिंग, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंटिन्यूअसली गोज ऑन इंक्रीजिंग। व्हाई इज सो? That we have to explain in this question. Is that clear? So let us see. Suppose this is Earth. This is the North Pole of the Earth. This is the South Pole of the Earth. This is the equatorial point of the Earth. And this earth is continuously rotating with a constant angular velocity omega. The earth is continuously rotating with a constant angular velocity omega. From center to this point, this is nothing but radius of the earth. And at this point P, we take a body of mass small m. ये जो अर्थ है, इस अर्थ का जो पॉइंट पी है उस पॉइंट पी के पास में अपन ने एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास कितना है, स्मॉल एम। अर्थ के सरफेस पे पॉइंट पी अपन ने कंसीडर किया हुआ है विच इज एट एन एंगल ऑफ थीटा, फ्रॉम द इक्वेटर एंड एट दिस पॉइंट पी द बॉडी इज टेकन ऑफ मास स्मॉल एम। तो यहां पे जो बॉडी है उसका मास स्मॉल एम। अब एज वी नो दैट The weight of the body is always directed towards the center of the earth. किसी भी body का जो weight है वो earth के center की तरफ आता है due to acceleration due to gravity. तो ये जो point P है, यहाँ पे जो body अपन रखी हुई है जिसका mass small m है, इसका जो weight है वो weight भी कहाँ पे आएगा, earth के center की तरफ act होगा। That is the true weight of the body. mg always directed towards the center of the earth. But at the same time, since the earth is rotating with a constant angular velocity omega, at this point P, the body is present, this body performs circular motion. The body which is present at point P performs a circular motion of radius small r. ये पॉइंट पी के पास में जो बॉडी है, ये बॉडी यहाँ पे क्या होगी, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r है। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो ये जो रेडियस है यहाँ पे स्मॉल r है, ठीक है, और ये जो है कैपिटल r है, ये अर्थ की रेडियस है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये एंगल अगर थीटा है, ये इक्वेटर के साथ में आकर एंगल यहाँ पे थीटा है, तो इसके वजह से ये जो सर्कुलर मोशन के यहाँ पे सर्कल के पास में जो रेडियस है, इसके पास में ये रेडियस यहाँ पे
थीटा ड्यू टू अल्टरनेट एंगल। ये एंगल थीटा है इसलिए ये एंगल कितना आएगा, थीटा आएगा अल्टरनेट एंगल के हिसाब से। एट द सेम टाइम ये एंगल अगर थीटा है तो यहां पे ये एंगल भी कितना आएगा, थीटा आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बात समझ में लो, इक्वेटर के साथ में अर्थ के रेडियस ने कितना एंगल फॉर्म किया हुआ है, थीटा। इक्वेटर के साथ में अर्थ के रेडियस ने कितना एंगल फॉर्म किया हुआ है, थीटा, इतना एंगल फॉर्म किया हुआ है। इसके वजह से ये जो सर्कुलर मोशन की जो रेडियस है या सर्कल की जो रेडियस है, ये सर्कल की रेडियस ने अर्थ के रेडियस के साथ में कितना एंगल फॉर्म किया हुआ है, थीटा, ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, ड्यू टू अल्टरनेट एंगल। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम एज दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। व्हाई वी कंसीडर दिस कंपोनेंट, बिकॉज सिंस द बॉडी इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सिंस द बॉडी विच इज प्रेजेंट एट पॉइंट बी, सिंस द बॉडी विच इज प्रेजेंट एट पॉइंट बी परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, performs uniform circular motion, and as we know that when a body performs UCM, as we know that when a body performs UCM, it experiences the centrifugal force, it experiences a centrifugal force which is always directed along the radius and directed, which is along the radius and directed away from the center of the point. ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट के सेंटर से यहाँ पे कैसी रहेगी, अवे फ्रॉम द सेंटर रहेगी। तो जब अर्थ के सरफेस के ऊपर ये बॉडी है और ये बॉडी जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो यहाँ पे ये बॉडी यूसीएम परफॉर्म कर रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के इफेक्ट के वजह से। रिमेंबर दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो इफेक्ट है, उस इफेक्ट के वजह से ये पॉइंट बी के पास में जो बॉडी है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगी, एक्सपीरियंस करेगी। रिमेंबर इट एक्सपीरियंसेस अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच इज अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, व्हिच इज अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, दिस इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। We know the formula for centrifugal force. We know the formula for centrifugal force. F is equal to m r omega square. In circular motion, we already see that F is equal to m r omega square. This is nothing but centrifugal force experienced by the body when it performs circular motion. As this angle is theta, ये angle theta है, इसके वजह से इस centrifugal force ने, ये एंगल थीटा है, इसके वजह से ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने जहां पे थीटा के साथ में जो एंगल फॉर्म हुआ है, ये डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा एफ कॉस थीटा। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने ये डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट बनेगा, एफ कॉस थीटा। दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्प्लिट, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा या डिसॉल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा वहां पे, रिजॉल्व हो जाएगा। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, एफ को एफ एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। आउट ऑफ दिस एफ साइन थीटा वी डोंट रिमूव, तो यहां पे अपने को साइन थीटा की जरूरत नहीं है, इसीलिए अपन इसको क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दो कंपोनेंट बन गए हैं, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा, बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसमें से एफ साइन थीटा की अपने को जरूरत नहीं है, अपन उसको रिमूव कर दिया। अब एफ कॉस थीटा अगर आप देखेंगे तो एफ कॉस थीटा किसके अपोजिट डायरेक्शन में है वो देखिए, ये एम जी देखिए, ये पॉइंट बी के पास में बॉडी है, इसका जो वेट है, ट्रू वेट है, वो ट्रू वेट कहां पे एक्ट हो रहा है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो एम जी acting toward the center of the earth and f cos theta acting from point P away from the center of the earth. तो ये जो force है जो center की तरफ आ रहा है और ये जो force है वो center से दूर जा रहा है, इसके वजह से यहाँ पे the turn क्या हो रहा है, उसको oppose कर रहा है, इसीलिए ये point P के पास में जो body है इसका जो weight रहेगा वो apparent weight होगा। कौन सा weight होगा, apparent weight is always less than root, apparent weight is less than true weight, यहाँ ये condition है। तो
the direction is opposite. Therefore, the apparent weight of the body, it is equal to true weight. It is equal to true weight of the body minus the opposite component. So then it is equal to mg minus f cos theta. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो बॉडी है, इस बॉडी का जो apparent weight आएगा, ये बॉडी का जो आएगा apparent weight आएगा, उस apparent weight को अपन कैसे लिख सकते हैं? Apparent weight of the body it is equal to mg minus f cos theta. Apparent weight आएगा, it is equal to mg dash. It is equal to mg minus f cos theta. क्योंकि बॉडी का जो मास है वो तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होगा. इसका मतलब पॉइंट P के पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है. बॉडी का जो मास है वो फिक्स है, उसमें वेरिएशन नहीं आएगा, वो कांस्टेंट है. इसीलिए पॉइंट P के पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है. हेंस एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज नथिंग बट mg डैश इज इक्वल टू mg माइनस f cos थीटा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f? f इज नथिंग बट mr ओमेगा स्क्वायर. So we can put here. So mg dash it is equal to mg minus, instead of f we can write mr omega square, mr omega square into cos theta. ये क्या मिल गया? ये जो f है इसके लिए क्या अपने क्या put किया हुआ है? mr omega square. Now then we take m common. अगर अपन m common निकाल लेते हैं तो mg dash it is equal to m in bracket g माइनस स्मॉल आर ओमेगा स्क्वायर इनटू कॉस थीटा. तो यहां पे स्मॉल एम गेट कैंसिल. सो जी डैश इट इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इनटू कॉस थीटा. यहां पे ध्यान दीजिए, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस स्मॉल आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा. बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर? What is the value of smaller? What is smaller? Is it? It is nothing but radius of circle. So radius of circle is nothing but r cos theta. Therefore, g dash it is equal to g minus r cos theta into omega square into cos theta. G dash is equal to g minus r cos theta instead of small r into omega square into cos theta. Here cos theta that is nothing but cos square theta. So g dash it is equal to g minus r omega square cos square theta. So g dash is equal to g minus r omega square cos square theta. So this is the expression for acceleration due to gravity. Due to rotational motion of Earth. अब अगर अपन यहाँ पे formula observe करते हैं, तो formula के ऊपर से अपन को क्या पता चलता है? This is the true acceleration due to gravity or maximum acceleration due to gravity. G dash is the apparent acceleration due to gravity at point P. Okay? And this is nothing but minus r omega square cos square theta. इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो फैक्टर है ये रिड्यूसिंग फैक्टर माइनस हो रहा है, जी में से क्या हो रहा है? ये रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है यहां पे चेंज हो रही है. तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. इज दैट क्लियर? देखिए, इफ यू आर एनी क्यूरीज आस्क.